अब देखो, सबसे पहले अपने टेन थीटा, क्या टेन थीटा टेन थीटा का मान क्या होता है? साइन साइन थीटा थीटा बटा में कोस थीटा बटा में, कोस थीटा फिर है कोट थीटा, क्या है? कोट थीटा कोट थीटा का मान उल्टा हो गया, कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब हो गया दो मान हो गए। तीसरा देखो बेटा, एक इसमें गुणनखंड आएगा ए की क्यूब बी की क्यूब का, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ठीक है ना, इसका गुणनखंड आएगा। अब देखो ये इसका ए की क्यूब का घनमूल कितना होता है? ए। बी की क्यूब का घनमूल कितना होता है? बी होता है ना। इसका देखो, इधर करो, इसका देखो, इसका होगा पहले का घनमूल, पहले का घनमूल माइनस दूसरे का घनमूल, एक कोष्टक बन गया, एक बन जाएगा, बन गया ना। फिर पहले का घनमूल का स्क्वायर, घनमूल का प्लस दूसरे के घनमूल का स्क्वायर, फिर प्लस पहली गुणा दूसरी, पहली गुणा दूसरी, पहली गुणा दूसरी, ये इसका टुकड़ा होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है ना, समझे। इस तरह का ये सेम नहीं आएगा, साइन कोस के गुणनखंड अपने को इस तरह से करने पड़ेंगे, इस तरह से करने पड़ेंगे, ठीक है ना, है? कर लेंगे है? अब देखो, अब अपना सवाल लिखते हैं। टेन थीटा बटे एक माइनस, सॉरी, एक माइनस कोट थीटा, एक माइनस है कोट थीटा प्लस कोट थीटा, क्या जी, बटा में एक माइनस टेन है थीटा, टेन है। अब इसका उत्तर निकालना है अपने को, एक प्लस सेक थीटा, एक प्लस है सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक है थीटा यानी गुणा कोसेक थीटा हो गया, सेक थीटा कोसेक थीटा के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ये गुणा है, क्या है, ठीक है, अपने को ये उत्तर निकालना है, ठीक है। अब टेन थीटा का मान रखो, टेन थीटा का मान पहले पहले मैंने बताया नहीं है, क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, इस टेन की जगह नाम रख दूं, क्या लिख दूं, साइन थीटा बटे कोस थीटा, फिर नीचे ये लाइन है देखो, है ना, ये लगाओ एक का एक माइनस कोट थीटा का मान रखो, कोट थीटा का मान टेन थीटा का उल्टा होता है, क्या हो गया, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये इतना मान अपने हो गया, हो गया ना, ये प्लस आगे बढ़ा, यहाँ लगाओ कोट थीटा का मान रखो, क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, हो गया ना, यहाँ तक हो गया, ये हो गया। नीचे क्या है, एक माइनस है टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी इसका मान रखेंगे, रख दिया, इसके बटा में एक कर लूं बेटा, इसके बटा में एक कर लूं, कर लिया ना। अब अपने आगे वाले लाइन में साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये तो ऊपर वाला लिख दिया मैंने ये, ठीक है ना। अब नीचे वाले का ऐसे लाइन लगा करके ऐसे इन दोनों का नीचे लघुत्तम लूंगा, तो इसका लघुत्तम क्या आएगा, साइन है थीटा, आएगा ना, आएगा ना, एक का भाग साइन थीटा में देंगे, कितनी बार जाएगा, साइन थीटा बार, तो साइन थीटा को साइन थीटा करेंगे, एक से करेंगे, साइन थीटा माइनस साइन थीटा का भाग साइन थीटा में देंगे, कितनी बार गया, एक बार, एक को कोस थीटा से गुणा करेंगे, क्या हो गया, कोस है थीटा, ये इतना हल हो गया अपना, हल हो गया ना, ये आगे प्लस। अब ये इसको ऊपर वाले लिख दो, कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख दिया ना। नीचे वाले का यहाँ लघुत्तम निकालो, एक और कोस थीटा का लघुत्तम निकालेंगे, क्या आएगा, कोस है थीटा, क्या आएगा। अब देखो, एक का भाग कोस थीटा में, कोस थीटा बार, कोस थीटा को एक से करेंगे, कोस है थीटा, कोस है माइनस कोस थीटा, कोस थीटा बाद में एक बार, एक को साइन से करेंगे, साइन है थीटा, साइन है, हो गया। अब ये चार संख्या बटे में होगी, देखो हो गई ना, ऊपर वाली लिखो पहले, साइन थीटा बटे कोस थीटा, हो गया, गुणा
ये नीचे वाली जो संख्या ये है ना, ये ऊपर जाएगी तो उल्टी होके गुणा हो जाएगी, उल्टी होके तो ये हो गया साइन थीटा, ये ऊपर चला गया ना, नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस है कोस है थीटा आ गया, ये इतना हल हो गया, ये प्लस इसके ऊपर क्या है कोस थीटा बटे साइन थीटा हो गया ना, नीचे वाली संख्या ये है ना, ये उल्टी हो जाएगी ना, ऊपर जाएगी क्या हो गया, नीचे कोस थीटा ऊपर चला गया, कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस है साइन थीटा हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना। अब देखो साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा क्या हो गया, साइन स्क्वायर है थीटा। अब ये पहले गुणा मत करो, ये देखो ये कोष्ट लगा लो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा को कितने से गुणा करना है बेटा, कोस है थीटा से, किसे करना है, ये किसका चिन्ह है प्लस का, हो गया कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे क्या हो गया, कोस स्क्वायर है थीटा, ये क्या हो गया कोस थीटा माइनस है साइन है थीटा, साइन है थीटा, और बार क्या है साइन है थीटा, क्या है साइन थीटा, ठीक है हो गया। अब देखो अपने, अब वही संख्या वापस जोड़ में आ गई ना, तो इन नीचे वालों का फिर लघुत्तम निकलेगा, नीचे वालों का फिर लघुत्तम है निकलेगा, देखो लघुत्तम क्या, ये दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, दोनों कोष्टक तो इनको तो मैं एक ही बार लिख लेता हूँ, साइन थीटा माइनस है कोस थीटा लिख लिया। अब ये कोस और साइन दोनों आएंगे बाहर गुणा में, देखो कोस थीटा और गुणा साइन थीटा, ये दोनों आगे देखो आगे ना, बार बार वाले, ये अंदर वाला तो एक जैसा है तो एक बार आ गया, बार बार वाले दोनों ही आगे, बार बार वाले दोनों। अब देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया ना, कोस से कोस कट गया ना, क्या रह गया साइन थीटा, साइन थीटा किस से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा से क्या हो गया साइन क्यूब थीटा, तीन घात तीन होगी, दो एक घात तीन होगी, माइनस ये देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये तो कट गया, साइन थीटा कट गया, क्या रह गया कोस थीटा, क्या रह गया कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे ना, क्या हो गया कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब है थीटा, वाह नहीं वाह, हो गया ना। अब देखो अब अपने को वो टुकड़े अब करने पड़ेंगे, ए की क्यूब और बी की क्यूब वाले, ए की क्यूब और बी की क्यूब वाले, ठीक है ना। करूं अब देखो ये क्यूब के टुकड़े बताए ना मैंने, क्या होगा पहले का घनमूल साइन थीटा, ठीक है, माइनस दूसरे का घनमूल कोस है थीटा, हो गया। अब क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और है कोस थीटा, साइन थीटा और है कोस थीटा, ये इसका टुकड़ा हो गया, हो गया ना, बटा में क्या है कोस थीटा और है साइन थीटा और साइन थीटा माइनस है कोस है थीटा, हो गया नहीं हो गया, हो गया ना। अब है? क्या करूं तो, अब देखो इसको अब ऐसा होते ही ये साइन थीटा क्या चीज माइनस है कोस थीटा, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा है ना, इसका मान कितना होता है एक होता है, एक प्लस साइन थीटा और है कोस है थीटा, कोस है नीचे क्या है कोस थीटा और है साइन है थीटा और एक माइनस साइन थीटा और कोस है थीटा, कोस है थीटा, ठीक है। अब देखो किसको किससे काट दूं, साइन थीटा इससे, दिए काट दूं, काट दिया,
ऊपर क्या बच गया एक प्लस है साइन गुणा, देखो ये एक प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, कोस थीटा नीचे क्या है कोस थीटा और साइन थीटा है कि नहीं है, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जो एक है ना, ये एक एक के बटा में कोस थीटा लिखो, एक कोस थीटा, ये दोनों गुणा में, गुणा एक के बटा में साइन थीटा लिखो, एक के बटा में क्या लिखूं साइन थीटा, लिख दिया है, लिख दिया, लिख दिया है था ना। अब फिर क्या है, को साइन थीटा और साइन थीटा और कोस थीटा इनके बटा में, इसके बटा में भी इसको लिख दो, साइन थीटा और कोस थीटा हो गया, साइन थीटा और कोस थीटा काटें कितना आ गया एक बटा कोस थीटा का मान क्या होता है, एक बटा कोस थीटा का मान सेक थीटा है, सेक थीटा होता है को सेक थीटा होता है, सेक है, सेक सेक है थीटा, सेक है थीटा, और फिर क्या है गुणा एक बटा साइन थीटा का मान क्या होता है कोसेक है थीटा, ये प्लस कितना आ गया एक, कितना आ गया एक, ये दोनों एल एच एस आर एस बराबर आ गए ना, तो अपन लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस इति सिद्धम, ठीक है इति सिद्ध कर देंगे हम साहब।